नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर शहर के जाने माने लेखक डॉक्टर सुरेंद्र यादव। नमस्कार रजन भाई। डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी EMRC में कई वीडियो प्रोडक्शन कर चुके हैं और बड़ी संख्या में उन्होंने हिंदी के साहित्यकारों पर काम किया है। हाल ही में उनके एक कविता संग्रह आया है और अभी ताजी उनकी एक नाटक पर पुस्तक आई जो मेरे हाथ में है और जिसका शीर्षक है सूखा पत्ता पीपल का। तो आज हम चर्चा करते हैं यादव जी से कि इस नाट्य पुस्तक में उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। बात दरअसल यह है कि आज हम जिस नाटक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह नाटक कुछ ऐसी रोचक विचित्रताओं को लिए हुए है जो मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। सन 80 के दशक से मैं आकाशवाणी से जुड़ा था और 2 दर्जन से अधिक मेरे नाटक आकाशवाणी से प्रसारित हुए थे। बचपन से ही मुझे अभिनय करने का और नाटक चुनने का, उनके संवाद बदलने का शौक रहा है। अच्छे अच्छे नाटकों को मैंने, उनके संवादों को बदला और उस तरह से जो मैं बचपन से एक रुचि थी वो यहाँ आकर आज 73 वर्ष की उम्र में एक नए रूप में मेरे सामने आती है। वैसे भी मैंने मोहन राकेश के नाटकों के ऊपर रिसर्च किया है और वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी थी वह है नाटक की भाषा। नाटक की भाषा इस प्रकार से होना चाहिए जो जनसाधारण की हो और उसमें तत्सम और तद्भव के शब्दों के स्थान पर, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए मेरे इस नाटक में मैंने सबसे विशेष रूप से जो ध्यान रखा है वह है बोलचाल की भाषा का रखा है और मैंने अंग्रेजी के, उर्दू के शब्दों का परहेज नहीं किया है। जरूरत पड़ी है तो मैंने ग्रामीण शब्द जो होते हैं ग्रामज, उनका भी प्रयोग किया है। दूसरी बात इस नाटक के संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पाठक हैं उनके जो अनुभव हुए हैं वो मैं पहले बता दूँ, उसके बाद मैं नाटक की बात करूँगा। इसमें आप ऐसा ना समझें कि मैं अपने नाटक की प्रशंसा कर रहा हूँ, परंतु जो सच्चाई मेरे सामने आई है वह यह है कि एक पाठक, महिला पाठक थी, वह उसने 1.5 किलो दूध अंगीठी पे रखा और उसके बाद वो जब इस नाटक को पढ़ने लगी तो 1 घंटे बाद उसके पति ने आकर उसे टोका कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमको इतना भी ध्यान नहीं है कि जो दूध तुमने वहाँ पर गर्म करने के लिए रखा था वो दूध ना होकर अब 100 ग्राम रबड़ी हो गया है। तो अब ये समझ लीजिए कि जब उस महिला ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे इनके पात्रों में और इसकी घटनाओं में मैं इतने उलझ गई कि मुझे वहाँ से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला। इसके बाद जो स्थिति, इसको पढ़ने के बाद मेरे पास जो प्रतिक्रिया आई है वो इस तरह से आई है कि अनेक लोगों ने कहा है कि हमको पढ़ते समय ऐसा लग रहा है कि ये हमारी अपनी कहानी है। और रोचक किस्सा तो यह है कि एक व्यक्ति जो कानपुर का था उसने कहा कि आप ये नाटक आपने क्यों लिखा और हमारे घर की बातें आपको किसने बताई। मैंने पूछा भैया मैं तो जानता भी नहीं आपको, इस तरह की कोई बात नहीं। बोले नहीं, आपने जो मेरी बहन जो विवाहित है और उसके जीवन में जो घटित हुआ वही आपने सारा इसमें लिख दिया है। जबकि मैंने नाटक पहले ही लिखा था कि ये कल्पित कथा है और इसका किसी से संबंध नहीं है। दरअसल क्या होता है कि ये जो नाटक है इसकी कथा बिल्कुल सामान्य कथा है और इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती है, कोई नवीनता नहीं है, क्योंकि हमारे हर चौथे घर में इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आज जो सबसे बड़ी समस्या है जो सीनियर सिटीजन है और जो युवा पीढ़ी है इन दोनों के बीच में एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। टकराव इस तरह का बना हुआ है कि जो युवा पीढ़ी है विवाहित हो जाती है, उनके घर में पत्नी आती है और उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो अपने माँ बाप को केवल ATM समझने लगते हैं, जो जाते हैं जब भी जरूरत पड़ती है उनसे पैसा मांगते हैं और फिर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। एक सूर्यकांत नाम का जो व्यक्ति है जो सेवानिवृत्त है और एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है, राइटर भी है, और उसके घर में बेटे बहू जो हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, बेटे बहू हैं, तो वो शुरुआत में तो सब ठीक ठाक चलता रहता है, परंतु जब उसके सेवानिवृत्ति के बाद में जब पैसा मिला तो जो बहू है वह इस प्रकार के प्रयत्न करती है कि सारा पैसा उन लोगों को मिल जाए, परंतु सूर्यकांत वह
बहुत समझदार था, वो जानता था कि पैसा पूरी तरह से इन्हें नहीं देना है क्योंकि ये बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि पैसा भी ले लेंगे, उसके बाद में जब उनके प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे तो वो मकान को गिरवी रख देंगे। और उन्होंने देखा है कि बहुत सारे समाज में इस तरह की स्थिति बनती है, बहुत सारे लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं बनती है कि बाद में फिर वो कर्ज चुका नहीं पाते हैं और वो जो मकान रहता है वो भी हाथ से चला जाता है और बुजुर्ग की जो स्थिति होती है वो भीख मांगने जैसी हो जाती है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, वह अवसाद में रहने लगता है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रयोग मैंने किया है कि एक हेलोनिएशन होता है, जब आदमी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है कि जब आदमी अकेला रहता है, अवसाद से घिरा रहता है, उसको लगता है कि संसार में कोई उसका नहीं है, तो वह स्थिति में वो इस संसार के जो भौतिक वातावरण रहता है उससे कट जाता है और फिर एक काल्पनिक संसार में जाने लगता है। तो वह जब भी जाता है तो उसको लगता है कि उसकी मरी हुई पत्नी उसके सामने आ रही है, उससे बात कर रहा है, अपने सुख दुख की बातें कर रहा है। और ये स्थिति इतनी रोचक बन पड़ी है कि लोगों को भी लगता है कि ये फैंटेसी होते हुए भी, फैंटेसी कल्पना है, परंतु उसके बाद भी वो वास्तविक लगने लगती है। और इस तरह से उसमें इतना रोचक भाव आ जाता है कि उसके जो मित्र आते हैं उनसे भी वो हंसी मजाक अपने आप ही, वह पुरुष जो है वो स्वयं अपना पुरुष का भी अभिनय कर रहा है, स्त्री का भी बोल रहा है। अब दोनों की स्थिति हमने सामने रखी है तो एक नई बात यहाँ पर आई है। कुछ नए प्रयोग और किए हैं, अंत हमने जो है नया रखा है वो अभी तो आपको बताएंगे नहीं क्योंकि इसके लिए तो आपको नाटक देखना पड़ेगा। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि इसका मंचन किया जाएगा तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं जो चाहते हैं कि इसका फिल्मांकन भी होना चाहिए। अब ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि हम सोचते कुछ हैं होता कुछ है। आज हमारे जीवन मूल्य टूट चुके हैं। किसी जमाने में हम माता पिता का आदर करते थे, अपने बुजुर्गों का आदर करते थे, उनकी हर सुविधाओं का ध्यान रखते थे, परंतु आज जब हमने देख लिया कि हम हमारे माता पिता यदि हमारी मदद नहीं कर रहे हैं या हमारे माता पिता हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो हम अपने बच्चों को भी उनसे नहीं मिलने दे रहे हैं। हम उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कमरे में सीसीटीवी के कैमरे लगा रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि उनके जो है पासबुक है किधर है, उन्होंने कहाँ कितना पैसा जमा किया है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और जब हमको इस पे सफलता नहीं मिलती है तो हम उनका बायकॉट कर देते हैं। तो ये स्थिति जैसे परिमल है, परिमल उनके लड़के का नाम है, और प्रमिला जो है उनकी बहू है, ये दोनों मिलकर, परिमल भी से बहुत अच्छा लड़का है, अपने पिता का आदर करता है, किंतु उसके सामने समस्या यह है कि वो अपने पिता का साथ देगा तो कितने दिन तक देगा, और यदि पिता का साथ देता है तो उसकी पत्नी के साथ उसकी बनती नहीं तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। तो जब कहता है कि पापा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं तुमको प्यार करता हूँ परंतु तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे रहना तो मेरी पत्नी के साथ में है। आप तो कितने दिन जियोगे मुझे पता नहीं है, परंतु मेरे को पत्नी के साथ मेरी जिंदगी निकालना है, इसलिए वो यदि गलत है तो भी मुझे उसका साथ देना पड़ेगा, ये बात होती है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि आज एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी का जितना भी उन्होंने मेहनत किया है, कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए पैसा इकट्ठा किया उसमें सारा लगा देते हैं, उनकी शिक्षा में लगा देते हैं, उनके रहने की व्यवस्था कर देते हैं और उनके विवाह करते हैं, उनके बच्चों के लिए भी अच्छे प्लानिंग्स करते हैं, एफडियां बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी यदि माँ बाप को ये सुनने को मिले कि आपने हमारे लिए किया गया है तो इससे बड़ी त्रासद स्थिति नहीं होगी, कितना दर्द होता होगा इन लोगों को, वो चीज़ यहाँ पर सामने आती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब बेटा आके कहता है कि पिताजी आपने जो है हमें प्यार नहीं करते हैं, तो प्यार क्या होता है, वो जब सूर्य कहते थे प्यार क्या होता है, प्यार कोई दिखाने की चीज होती है, वो तो महसूस करने की चीज होती है, हम अपने आप सोच रहे हैं और तुम्हारे लिए जो कर रहे हैं वो बड़ी बात होती है, तो ये चीजें यहाँ पर नहीं होती। परंतु क्या होता है कि हर समस्या का समाधान होता है और इस नाटक के माध्यम से मैंने उस समाधान को खोजने की कोशिश की है। जब तक हम हमारी स्थिति क्या है, सूखा पत्ता पीपल का, ये इस नाटक का नाम है, हम वृद्ध व्यक्ति हैं तो हम तो उस पीपल के सूखे पत्ते के समान है, हवा का झोंका आएगा कब आएगा पता नहीं, परंतु जब आएगा और वो पत्ता गिर के नीचे गिर जाएगा, परंतु जब तक हम हैं तब तक तो हमारा अस्तित्व है, हमारे सुख दुख हैं और उन सुख दुखों से हम जुड़े हुए हैं। हम अच्छा सोचते हैं बुरा नहीं सोचते, किंतु यदि हम बहुत ही ज्यादा कोई परेशान करेगा तो उसका प्रतिकार भी हो सकता है, उसका बदला लिया जा सकता है, पर बदला इस तरह से लिया जाएगा कि कट ऑफ कर दिया, उनसे संबंध तोड़ दिया जाए,
क्योंकि यदि घाव हो जाता है शरीर में तो उसका उस यदि वो उसके कारण यदि किसी शरीर के किसी अंग में यदि कोई घाव हो जाता है और उससे हमको लगता है कि ये पूरा शरीर में फैलेगा तो उसको टुकड़े को काट के फेंक देना अच्छा होता है। इसी तरह से इन संबंधों को तोड़ा भी जा सकता है, ये अच्छी बात नहीं है, भारतीय जीवन मूल्यों के हिसाब से अच्छी बात नहीं है, परंतु अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और उनको शिक्षा देने के लिए ये जरूरी हो जाता है। इस नाटक के माध्यम से मैंने ये बात भी रखी है। इसमें मैंने एक नए प्रयोग भी किए हैं जो नाट्य विडंबना का प्रयोग किया है, जो नाट्य शैली में आता है। इसमें हमने कथा को पहले ही बता दिया कि क्या होने वाला है और उसके कारण क्या होता है कि जो पाठक होता है वो हमारे से जुड़ जाता है और फिर उस पात्रों से जुड़ते हुए वो उसके साथ साथ चलने लगता है। तो पाठक जो होता है या यदि उसका मंचन होता था दर्शक, दोनों स्थिति है, पाठक और दर्शक दोनों, वो दोनों इस कथा से जुड़ जाते हैं और फिर उन पात्रों के साथ चलते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जब मेरे को ये लोग कहते हैं कि भाई हमने एक सिटिंग में इसको पढ़ा है, 120 पृष्ठ की पुस्तक है, किंतु जो पढ़ना पड़ी रहती है पुस्तक तो चार दिन तक टेबल पर पड़ी रहती है, परंतु जब उसके हाथ में आती है और जब एक पन्ना पड़ता है तो उसके बाद भी वो जो है लगातार पढ़ते ही चला जाता है, उसको छोड़ने की स्थिति नहीं होती। ये रोचकता है इसकी, क्योंकि उन पात्रों ने बांध के रखा है, मैंने नहीं बांध के रखा है, जो पात्र है उन्होंने उसको बांध के रखा है और आखिरी तक उनके साथ निभाते हैं। एक सिटिंग या दो सिटिंग में इन्होंने पढ़ा है और ऐसे लोगों ने पढ़ा है जो कभी पढ़ते नहीं है परंतु उन्होंने पढ़ा है, चाहे वो कभी हो साहित्यकार हो समीक्षक हो, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी है परंतु उन्होंने भी पढ़ा और एक साधारण व्यक्तियों ने भी पढ़ा है। ये कहाँ से उनको प्राप्त हो रही है मुझे नहीं मालूम, प्रकाशक से डायरेक्ट बुला रहे हैं या कर रहे हैं, परंतु उनके पास पुस्तकें जा रही है और वो पढ़ रहे हैं और ये मेरे लिए एक अच्छा क्षण है कि उससे मुझे प्रेरणा मिल जाएगी, आगे वाली जो मेरी कृति आएगी वो इससे भी अच्छी होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि आप इसे पढ़िए, आपको अच्छा लगे यदि पढ़ा है तो इसको देखिए, सूखा पत्ता पीपल का है, डॉक्टर सुरेंद्र यादव मेरा नाम है और जैसा कि हमारे अर्जुन भाई ने आपको बताया है मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ, लेखन कर्म से जुड़ा हुआ हूँ और पूरा जीवन इसी में मैंने समर्पित किया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.